हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी तिल, 2 कटोरी गुड़। जितना हम तिल लेंगे उतना ही गुड़ लेना है आपको। और मैंने इसमें लिया है 1 कटोरी मूंगफली। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मूंगफली डालना है या नहीं। और फिर मैंने लिया है 2 चम्मच घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर तिल को थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ ग्राइंडर में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रश करके बनाना है या डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है। मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि इसे क्रश कर लूँ। तो मैंने इसे मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लिया था तिल्ली को। सेम ऐसा ही मैं मूँगफली के साथ भी करने वाली। मूँगफली मैंने छिलके के साथ लिया है। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको छिलके के साथ लेना है या विदाउट छिलका लेना है। तो इसे भी एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने कर लिया है। सिर्फ एक ही बार चलाना है आपको ताकि इसके छोटे पीसेस हो जाएं। अब आपको एक कढ़ाई लेनी है जिसमें हम डालेंगे घी 2 चम्मच जो हमने लिया था। घी के गर्म होने के बाद अब हम इसमें 2 कटोरी गुड़ डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें झाग ना आने लगे अच्छे से, क्योंकि अगर गुड़ कच्चा रह जाएगा तो लड्डू नरम बनेंगे, इसलिए गुड़ का पकना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही इसमें झाग आने लगेगा हम इसे चेक करेंगे। एक पानी आप ले लीजिए कटोरी में, तो उसमें आप डाल के टेस्ट करेंगे कि ये पका है या नहीं पका है। आप इसे पानी में डालेंगे, अगर ये फैल रहा है तो समझिए ये नहीं पका है, इसे और पकाना है। अगर ये नहीं फैल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये पक चुका है। अब हम इसमें मूंगफली और तिल मिला लेंगे। गैस एकदम लो फ्लेम पे होना चाहिए सारा कुछ मिलाते टाइम। अब इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे। इसे हमें गरम गरम ही बनाना होगा, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। अगर इनकेस ये ठंडे हो जाते हैं तो आप इसे फिर से की गैस पे गरम कर सकते हैं और फिर लड्डू बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे लड्डू तैयार हैं।